उत्तर प्रदेश के वदोई जिले के ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सभा वनगढ़ और ग्राम सभा वेदपुर के निवासी दो शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार चोरों के पास से एक बैग सहित चोरी की बाइक, सुपर स्प्लेंडर व सोने की मोटी चेन के साथ सोने के लॉकेट व एक चांदी की चेन तथा चांदी के अन्य सामान बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। वहीं पूछताछ के दौरान गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों में आकाश उपाध्याय पुत्र राम कुमार उर्फ पकौड़ी निवासी वनगढ़ व शकेत तिवारी उर्फ भोला पुत्र सुरेंद्र तिवारी निवासी वेदपुर ने बताया कि मैं रात्रि में सुभाष उपाध्याय की मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेंडर उनके घर के सामने से चोरी कर ली थी। मोटरसाइकिल की डिग्गी में एक भूरे रंग का लेडीज बैग था जिसमें आधा दर्जन मोबाइल भी थे। वहीं 12 मार्च की रात में छोटेलाल मौर्या के घर में भी चोरी कर ली थी और 15 दिन पहले विकास चंद पांडे निवासी ज्ञानपुर वदोई के घर में घुसकर मैं और तिवारी एक सोने की चैन और कुछ पैसे चोरी किए थे। दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है, इनमें से एक बनकर दूसरा वेदपुर का निवासी है और इनके पास से नौ मोबाइल फोन, उसमें एंड्रॉइड भी है, कीपैड फोन भी है। इसके अतिरिक्त सोने की चैन, चांदी के लॉकेट और बैग, ये सब बरामद हुआ। एक कब्जे से मोटरसाइकिल भी चोरी की बरामद हुई है और कस्बे में विभिन्न प्रकार की चोरियों को इन्होंने अंजाम दिया था। इनको आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इनके खिलाफ भी थाना अपना ज्ञानपुर कोतवाली में भी 5 आपराधिक मुकदमे दर्ज है और इन्होंने थाना क्षेत्र गोपीगंज के अंतर्गत भी कई चोरियों को अंजाम दिया है।